हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एयर न्यूकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लैक्सिल सिरप के बारे में। इसके क्या यूज़ हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसकी डोज क्या है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, इस लैक्सिल सिरप में जो साल्ट है वो कौन सा है। तो लैक्सिल सिरप है, उसमें जो फ्रेंड्स जो साल्ट है वो है लैक्टुलोज। तो लैक्टुलोज का जो बेसिकली यूज़ होता है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यूज़ के बारे में। तो जो लैक्सिल सिरप है, इसका यूज़ किया जाता है लैक्सेटिव के रूप में। मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, मतलब कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, मतलब जिनको स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, या फिर जिनका स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा मतलब पेन की शिकायत, मतलब पेन को सहना पड़ता है, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी क्या होता है, किसी को अगर लूज मोशन हो जाता है तो उस टाइम पर कोई डॉक्टर दवा दे देते हैं जिससे कि लूज मोशन एकदम बंद हो जाते हैं, पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो मतलब लैटिन आना हो जाता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है फ्रेंड। तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि जो अंदर जो स्टूल होता है स्टमक में, स्टाइन में, वो चिपक जाता है पूरी तरह से और वो फिर सूख जाता है। और वो सूखने की वजह से फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, इंटेस्टाइन में मतलब जब स्टूल चिपक जाता है चारों तरफ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उस स्टूल को, चिपके हुए स्टूल को स्मूथ करने के लिए, मतलब जो स्टूल सूख गया है, मतलब आंतों के अंदर स्टमक के अंदर जो सूख गया है उसको ये लैक्सिल सिरप दिया जाता है। तो उसमें जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। उसके बाद जो पास आउट करने में जो दिक्कत आती है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टूल को सॉफ्ट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, मतलब जिसको लैट्रिन नहीं आ रही है बार बार, मतलब जिन्हें मतलब लैट्रिन जाते फिर वापस चले आते हैं, मतलब स्टूल पास आउट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब एक बार में साफ लैट्रिन नहीं आती है, तो उस टाइम पर इस टैबलेट का मतलब इस सिरप का यूज़ किया जाता है। तो जो लैक्सिल सिरप है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मतलब उपयोगी है। इसे यूज़ करने के बाद जो आपको स्टूल पास आउटेशन की समस्या रहती है तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो कब्ज की भी समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है फ्रेंड। तो किसी को कब्ज की समस्या रहती है या फिर स्टूल पास आउट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो उस टाइम पर इस सिरप को लिया जा सकता है। तो इसके ये यूज़ की बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड, इसको सुबह शाम दिया जाता है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सुबह शाम आफ्टर मील दे सकते हैं खाना खाने के बाद, या बिफोर मील, दोनों टाइप से दे सकते हैं सिरप को। तो ज़्यादा रिजल्ट बेस्ट दोनों में मिलता है फ्रेंड्स, किसी भी टाइम दे सकते हैं सुबह शाम, अगर सुबह शाम 10 से 15 ml एक बार में दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ये तो इसके डोजेस फॉर्म में। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ बेसिकली साइड इफेक्ट हैं, नाउजिया, स्टमक डिसऑर्डर, अबडोमिनल पेन, वोमिटिंग। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करिएगा, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन कोई भी मेडिसिन ना ले फ्रेंड्स। आई एम वेल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो ये हुए इसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। फ्रेंड्स, इसका प्राइस है वो लगभग 221 या 220 रुपये के समथिंग मिल जाएगा आपको। डिस्काउंट में, डिस्काउंट अगर चल रहा होगा तो स्टैंप पर 190-195 बीच का आराम से किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी लेने में। तो फ्रेंड, ये एक छोटा सा रिव्यू था लैक्सिल सिरप के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई आल डियर फ्रेंड्स एंड आल यूट्यूब फैमिली।